वेलकम फ्रेंड्स मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी हम पढ़ रहे हैं ट्वेल्थ क्लास की बिजनेस स्टडीज हमारा जो चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का तो इस चैप्टर का हमारा ये वीडियो नंबर थ्री है तो पहले वाली वीडियो में हमने सीखा कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है फाइनेंशियल मार्केट के कौन कौन से फंक्शन हैं फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है वीडियो नंबर टू हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट मनी मार्केट कैपिटल मार्केट थोड़ा सा डिटेल स्टडी हमने किया वीडियो नंबर टू में अब हमारा ये वीडियो थ्री वीडियो नंबर थ्री में हम स्टार्ट कर रहे हैं मनी मार्केट के बारे में मनी मार्केट क्या होती है मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसमें शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज का लेन देन किया जाता है ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज का सेल और परचेज का काम चलता है मनी मार्केट में मतलब जिन सिक्योरिटीज की मेच्योरिटी पीरियड एक साल से कम होती है मतलब ऐसी सिक्योरिटीज जिनका भुगतान का अवधि एक साल से कम होता है या कह लीजिए कि बस मैक्सिमम एक साल उसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज एक साल की वजह से मेच्योरिटी पीरियड एक साल होने की वजह से इसको हम बोलते हैं नियर मनी क्या बोलते हैं मनी तो अब हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक नेचर ऑफ मनी मार्केट मनी मार्केट का क्या नेचर है सिंपल सी बात है ध्यान से देखो कुछ बातें तो हमारी यहां पर ही निकल कर आ रही हैं. कौन सी सिक्योरिटीज का लेन देन हो रहा है शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज का दूसरी बात मेच्योरिटी पीरियड कितना है एक साल तीसरी बात मनी भी हम इसको बोलते हैं तो इसी तरह से अब हमको मनी मार्केट का नेचर देखना है पहली बात मोर लिक्विडिटी इस मार्केट के अंदर मनी मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है मतलब आप चाहो जब चाहो अपनी सिक्योरिटीज को सेल कर सकते हो जब चाहो अपनी सिक्योरिटीज को और परचेज भी कर सकते हो क्योंकि मेच्योरिटी पीरियड इनका एक साल ही होता है मैक्सिमम आपने मान लो आज सिक्योरिटीज खरीदी दो महीने के बाद आपका मन है कि मेरे को अपनी सिक्योरिटीज को सेल करना है तो आप उसको सेल भी कर सकते हो क्योंकि मनी मार्केट के अंदर जो सिक्योरिटीज होती हैं, वो ट्रेजरी बिल्स कॉमर्शियल पेपर कॉल मनी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और इसी तरह से कॉमर्शियल बिल कॉमर्शियल पेपर ये सारे मनी मार्केट के अंदर आते हैं और इन सब की जो मेच्योरिटी पीरियड होती है वो एक साल या एक साल से कम की ही होती है तो आप कभी भी इनको सेल और परचेज कर सकते हो इसको सेल और परचेज करने के लिए फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया इसकी स्थापना की गई है ये क्या करते हैं ये रेडीमेड मार्केट अवेलेबल कराता है आप जब चाहो इसकी हेल्प से अपनी सिक्योरिटीज को सेल कर सकते हो ये आपको बदले में क्या प्रोवाइड करवा देता है पैसा प्रोवाइड करा देता है इसी तरह से जो सेकेंड हमारा जो नेचर है वो है लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट इस मनी मार्केट में दलालों की कमीशन एजेंट्स की जरूरत नहीं होती आप खुद ही इन ट्रांजेक्शन को कर सकते हो सेल परचेज का, का काम आप खुद ही कर सकते हो इसलिए यहां पर जो ट्रांजेक्शंस की जो कॉस्ट आती है लेन देन करने की जो लागत आती है वो बिल्कुल कम आती है तीसरी बात शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स ये बात हमने पहले भी स्टडी कर ली थी कि मनी मार्केट में जो ट्रांजेक्शन होती है वो शॉर्ट टर्म एसेट्स की ही होती हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स की ही ट्रांजेक्शन होती हैं जिनका मेच्योरिटी पीरियड भी एक साल या एक साल से कम ही होता है चौथी बात मैनी सब मार्केट मनी मार्केट के अंडर में काफी सारी मार्केट आती हैं। फॉर एग्जांपल ट्रेजरी बिल मार्केट कॉमर्शियल पेपर मार्केट कॉमर्शियल मनी मार्केट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मार्केट कॉमर्शियल बिल मार्केट ये सारी एक अलग अलग मार्केट होती है अगर आपने कोल मनी परचेज या सेल करनी है तो कोल मनी की मार्केट में चाहिए तो हर एक की अलग अलग मार्केट है तो मनी मार्केट के अंडर में देखा जाए तो सब मार्केट हो गई ये मार्केट अलग ये मार्केट अलग ये मार्केट अलग एंड ऑन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बैलेंस इन द डिमांड एंड सप्लाई ये क्या करता है डिमांड और सप्लाई के अंदर कोऑर्डिनेशन पैदा करता है कोऑर्डिनेशन बना के रखता है सप्लाई वालों को सप्लाई करनी है डिमांड वालों को क्या पैसे की रिक्वायरमेंट है तो ये मनी मार्केट क्या करता है दोनों के अंदर कोऑर्डिनेशन बना के रखता है सप्लाई वालों से पैसा लेकर फाइनेंस लेके किन को अवेलेबल करा देता है डिमांड वालों को अवेलेबल करा देता है तो मनी मार्केट डिमांड और सप्लाई दोनों साइड्स के जितने भी लोग होते हैं उनके अंदर कोऑर्डिनेशन बना के रखता है संतुलन बना के रखता है मनी मार्केट जो नेक्स्ट हमारा सिक्स नेचर है वो है स्पीडी ट्रांजेक्शन इसके अंदर सारी ट्रांजेक्शन करने की जो स्पीड होती है बहुत तेजी होती है जरूरी नहीं है कि आप मार्केट में जाओगे तभी सेल परचेज कर पाओगे मोस्टली ट्रांजेक्शन मोस्टली ट्रांजेक्शन फोन कॉल पे ही हो जाती है कि भाई मेरी ये वाली ट्रांजेक्शन कर दे मेरी ये वाली ट्रांजेक्शन कर दे पेपर ही पेपर वाला जो वर्क होता है पेपर वर्क कागजी कार्रवाई जिसको हम बोलते हैं वो बाद में भी हो जाता है पर मोस्टली ट्रांजेक्शन फोन पर ही हो जाता है इसलिए हम मनी मार्केट को फोन मार्केट भी बोलते हैं क्या बोलते हैं ओवर द फोन मार्केट क्योंकि सारी ट्रांजेक्शन मोस्ट प्रोबेबली है और कागजी कार्रवाई आप बाद में भी कर सकते हो तो इस वीडियो में हमने एक सिंपल सा टॉपिक अभी स्टडी किया है कि मनी मार्केट क्या होती है शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज के लिए मनी मार्केट के अंदर ये सब टॉपिक आते हैं इन सब का भुगतान अवधि एक साल या एक साल से कम होता है इसको हम नियर मनी भी बोलते हैं मनी मार्केट का नेचर क्या है ये सिक्स छोटे छोटे पॉइंट्स हमने भी स्टडी किए हैं तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा ट्रेजरी बिल का टॉपिक देन वी विल स्टडी द कॉमर्शियल पेपर कॉल मनी सर्टिफिकेट डिपोजिट एंड द कॉमर्शियल बिल तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में